अपना पक्का प्रॉमिस। तो मैडम जो प्रॉमिस किया मेरे से, तो मैडम मेरे लिए दुआ करेंगे दिल से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करना चाहिए, शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, इतने खूबसूरत मैडम जो अपने शादी का वेडिंग का जो प्रो वेडिंग शूट करवा रहे हैं, इन्होंने बोल दिया लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। कैसे हो मैडम? नहीं पानी पी रहे तो मास्क चलेगा। वो फैमिली यहाँ पे आई है तो इनसे भी जानते हैं, मतलब कैसा लगा आपको उदयपुर में आके? बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फैमिली से जो कि कहाँ से आए आप मैम? आए बॉम्बे से। अच्छा बॉम्बे से आए हो, अच्छा फिल्म सिटी बॉम्बे की माया नगरी से आए हो, है ना। तो उदयपुर के अंदर कितने दिन हो गए आपको? तीन दिन हो गए। तीन दिन हो गए, क्या खास लगा आपको उदयपुर के अंदर? सब बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वेलकम टू उदयपुर राजस्थान। तो चलिए कैमरामैन, तो यहाँ की जो सामने आपको पहाड़ पे नजर आ रहा होगा, वहाँ पे एक मंदिर भी है, और इस तरफ हम जाएंगे तो महाराणा प्रताप सर का जो बना हुआ है वहाँ पे बहुत ही बड़ा, मतलब जो रेल में जो उनका जो घोड़ा था उसके साइज के बराबर, तो एकदम पूरा डिफरेंट बना हुआ है। मौका मिला तो हम वहाँ पे भी जाएंगे एक बार। फिलेट्स की तरफ से लगा हुआ ही है ये कुर्सी, ये प्राचीन और एकदम ओल्ड सिनेमाटोग्राफी कर रहे हैं। शर्मा जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम। तो शर्मा जी हमारे साथ में है, और यहाँ पे कपल्स भारी मात्रा में आते हैं। दोस्तों हमारे अहमदाबाद की बात करें तो वहाँ पे रिवर फ्रंट कपल जोन है, रिवर फ्रंट पे काफ़ी सारे कपल्स आते हैं, और हम लोग इस बार कपल भी नहीं है यहाँ पे। और हमारे पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे बिल्कुल मतलब जो है मुस्तैदी में लगे हुए, आप देख पा रहे होंगे हमारी जो लेडीज़ पुलिस कर्मचारी है यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ, कैसा है उनका हालचाल वगैरह। कैमरा नजर आई है हमारे साथ में, यहाँ से थोड़ा अच्छे से उतरिएगा कैमरामैन। जो पुलिस कर्मचारी है, लेडीज पुलिस कर्मचारी यहाँ पे ड्यूटी निभा रहे हैं। कैसे हो मैडम? नहीं पानी पी रहे तो मास्क चलेगा, वो हम भी समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पे ड्यूटी पे मैडम? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे पुलिस वाले मैडम है जो कि यहाँ पे जो है फतेह सागर लेक पे ड्यूटी कर रहे हैं। मैडम शुभ नाम क्या है मैडम आपका? मेरा भावना चौधरी सर। भावना जी बिल्कुल। कितने टाइम से आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो? अभी सर हो गए हैं आज 16 दिन हो गए। 16 दिन हो गए है ना। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे ड्यूटी करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा तो कोई परेशान वगैरह आपको? नहीं परेशानी कोई भी नहीं है ना। और मुझे एक खास बात लगी यहाँ पे, साफ सफाई और ये सब इनका बंदोबस्त है, कड़ा बंदोबस्त है, और मैडम अपने पूरे स्वेच्छा से मतलब जो है अपना ड्यूटी निभा रहे। एक और मैडम इनके साथ में पुलिस में, मैडम लेडीज पुलिस कर्मचारी, मैडम आपका शुभ नाम? हेमलता जी। आप कितने टाइम से मैडम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? अच्छा आपको भी दोनों साथ में मैडम? बिल्कुल। तो दोनों साथ में दिन हुए तो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं वगैरह, और काफ़ी अच्छा पहले से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अभी आपने आगे देखा वीडियो के अंदर, मुंबई से पर्यटक आते हैं यहाँ पे, उज्जैन महानगरी से भी घूमने के लिए लोग आएंगे, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे साफ सफाई वगैरह, ये लोग ड्यूटी निभा रहे हैं। अरे आपको कोई तकलीफ तो नहीं ना मैडम? नहीं बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों मैं आपको और भी घुमाता हूँ यहाँ पे फतेह। और मैडम मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ पे महाराणा प्रताप सर का जो है ऊपर जाने के लिए वो किस पर जो आएगा, इधर ही आएगा? महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्मारक। जी 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 बिल्कुल, वो पहाड़ पे जो है ना। ऐसा करिए सर, यहाँ से आप बाहर निकलेंगे जी जी, देवाली रोड आएगा बिल्कुल, वहाँ से आपको राष्ट्रीय स्मारक का मार्ग मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम अच्छा प्लेस है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं महाराणा प्रताप की उदयपुर जब भी आता हूँ तो सबसे बड़ी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से, तो महाराणा प्रताप सर की करता हूँ। लास्ट टाइम भी मैं आया था तब मैं भी ऊपर पहाड़ पर गया था वहाँ पे, तो आज भी मैं शर्मा जी और हम जाने वाले ऊपर पहाड़ पर, वहाँ पर महाराणा प्रताप सर का जो है तो वहाँ स्मारक बना हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी कभी उदयपुर आएगा वहाँ पे दर्शन जरूर कीजिएगा। चलिए मैडम शुक्रिया, आप ड्यूटी पे लगे रहिए, है ना। जय माता जी, जय माता। तो चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं, और भी यहाँ पे जो है यहाँ का जो फेवरेट लोकेशन वो आपको थोड़ा बताते हैं कैमरे की नज़र से। तो बिल्कुल मैडम ने जैसे कि बताया, सामने जो पहाड़ पे वो एक मंदिर है माता जी का वगैरह, तो उसके बाद हम आगे की ओर जाएंगे तो वहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में थोड़ा सा मुड़ेंगे, वहाँ पे जो है महाराणा प्रताप सर का जो स्मारक बना हुआ है वहाँ पे भी आज हम दर्शन करने वाले हैं। और कैमरामैन से मैं कहता हूँ जरा आ जाइए ऊपर की साइड यहाँ पे। शर्मा जी इस वक्त वीडियोग्राफी कर रहे हैं और कैमरे का एंगल जो है थोड़ा चेंज कर रहे हैं। गर्मी की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है, हालांकि अभी फरवरी के जो है 50% पूरा हो चुके हैं, आज तारीख है 15 और अगस्त अभी होनी आने वाली है मार्च महीना, तो अभी जो गर्मी है अपनी चरम सीमा पे है, गर्मी काफ़ी बढ़ रही है यहाँ पे। मतलब दो दिन पहले जब हम यहाँ पे उदयपुर में एंटर हुए तब काफ़ी ठंडी थी, हालांकि हमको थोड़ा सा ऐसे अफसोस हुआ कि अभी यहाँ पे हम लोग जैकेट क्यों नहीं ले गए, लेकिन आज मुझे बिल्कुल, मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल टी शर्ट में घूम रहे हैं। अच्छा कई सारे लोगों ने मास्क नहीं पहना, इनसे जानते हैं सर आपने मास्क नहीं पहना, यहाँ पे गाइडलाइंस है कोरोना की वो बार बार बता रहे हैं आपने मास्क नहीं पहना, क्यों बता सके? अच्छा स्टोरी चुप हो जाओ इंस्टा पे स्टोरी डाल रहे हो? बिल्कुल। क्या नाम से है आपका इंस्टाग्राम?
कहाँ से आप? प्रॉपर उदयपुर से? लोकल? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, आप स्टोरी डालिए, डोंट वरी बी हैप्पी, है ना? तो ये स्टोरी डालिए, उसके लिए इन्होंने मास्क नहीं पहना है। अच्छा, कौन शूट कौन कर रहा है? प्री वेडिंग शूट कर रहा है। अच्छा, प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, कहाँ से? यहीं से उदयपुर से? जयपुर से। अच्छा, जयपुर से। तो ये सर जो यहाँ पे प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, आपको यहाँ का डेस्टिनेशन कैसा लगा उदयपुर का? बहुत अच्छा डेस्टिनेशन। अच्छा, जिसका प्री वेडिंग कर रहे हैं उनको भी बताते हैं हम आपको, जरा सा आइए जरा। तो ये मैडम है, ब्रदर है, सर आप कहाँ से हैं? जयपुर। अच्छा, जयपुर। जयपुर की अगर बात करूँ दोस्तों, मेरी लाइफ के अंदर, इंडिया के अंदर, राजस्थान में सबसे खूबसूरत एंड हॉट एंड स्पाइसी पैलेस मेरी दिल में है वो जयपुर है। क्यों? क्योंकि आमेर का जो किला है वहाँ पे, और आमेर के किले में मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पुनर्जन्म का संबंध है वहाँ। मेरे काफी सारे वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे आमेर के, तो वहाँ पे आमेर का किला है, जयसिंह जो गढ़ है पैलेस, वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी है, राइट सर? बिल्कुल, है ना। तो सर जयपुर से है, सर कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? कल आए थे। अच्छा, कल ही आए। कब है आपकी वेडिंग? कब है वैसे? तो यहाँ का लोकेशन वगैरह कैसा लग रहा है आपको? काफी अच्छा लग रहा है। और ये जिले की नगरी है उदयपुर, और सबसे पहले तो आपका स्वागत है जिलों की नगरी उदयपुर में, और उम्मीद है कि आपको और भी मजा आएगा। और शाम के टाइम पे अगर आप जाओ तो सहेलियों की बाड़ी वगैरह जो है, और पिछोला लेक है जो अपने मारवाड़ी, पिछोला लेक घूमे थे हम, पिछोला लेक बहुत अच्छे थे, बिल्कुल अच्छे। तो आप एंजॉय कीजिए यहाँ पे, और हमें भी आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। और चलिए, आप वेडिंग, आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप वेडिंग जो प्रो शूट वगैरह कीजिए सर, ठीक है ना? और मेरा कार्ड, मेरा मैं कार्ड देता हूँ आपको, तो आप मुझे इस पे, जिस पे ये वीडियो आएगा यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल दो चैनल है, एक न्यूज चैनल है और एक ब्लॉगिंग चैनल है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, उस पर लिंक भेज दूंगा। चलिए, एंजॉय दिस लाइफ एवरी मोमेंट, ठीक है? तो चलिए कैमरामैन, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और बिल्कुल बोलिए, जेके मथुरिया व्लॉग्स। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर भी और मिल चुके हैं काफ़ी लोग जो है, मतलब आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर ये वीडियो आने वाला है, ठीक है ना? तो जे के स्पेस मथुरिया, एम ए टी एच है। जे के मथुरिया ब्लॉग लाइक करना चाहिए, आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कैमरा में थोड़ा सा आगे जी। तो दोस्तों, इस वक्त हम उदयपुर में शूट कर रहे हैं, हमारे जो मेहमान है राजस्थान, मतलब राजघराना बोले तो जयपुर राजस्थान से आ चुके हैं, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जयपुर के लोगों की, जयपुर हमारे दिल में बसा, वैसे आमेर किला वगैरह। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मैडम क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करना चाहिए, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, इतने खूबसूरत मैडम जो अपने शादी का वेडिंग का जो प्रो वेडिंग शूट करवा रहे हैं, इन्होंने बोल दिया लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे मज़ेदार वीडियो हमारे चैनल जेके मथुरिया व्लॉग पे और भी आगे देखने को मिलते रहे। आगे मेरे काफ़ी सारे टूर्स होने वाले जो इंडिया से बाहर, चाइना है, थाईलैंड है, हांगकॉन्ग है, मक्काऊ है, मलेशिया है, थाईलैंड के अलावा दुबई वगैरह है, तो बुर्ज खलीफा से वगैरह, तो देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, और अभी आपको पहले उदयपुर का पूरा सेंड करवा ले। चलिए मिलते हैं, आप लोग शूट कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए ब्रदर, आगे ना चैनल, ठीक है? तो चलिए कैमरामैन, हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे सुंदर नज़ारे हैं उदयपुर के अंदर, तो वो भी घूमते हैं। और शाम को लगभग अभी इस वक्त टाइम हो चुका है, 1:23 हो चुके हैं, और शाम को 5 हम आपको मिलेंगे सीधा सहेलियों की बाड़ी में। वो मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि वहाँ पे गणगौर घाट वगैरह है, तो वहाँ का सीन सुना रही है। एक्चुअली वहाँ पे क्या है कि बॉलीवुड की मूवी का काफ़ी सारा शूट हुआ है, जिसमें आप धड़क मूवी की अगर बात करें तो अपने बोनी कपूर सर की जो लड़की है, गुड़िया है, श्रीदेवी की लड़की, उन्होंने वहाँ पे धड़क फिल्म का शूट किया था। धड़क फिल्म की आधे से ज़्यादा शूटिंग उदयपुर के अंदर इसी लोकेशन पे हुई थी, जो कि मैंने आपको बताया गणगौर घाट है वगैरह, और सहेली की बाड़ी है वहाँ पे हुआ था। तो चलिए हम आप आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये सीन देखिए जरा कैमरामैन, ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है यहाँ पे, पहाड़ी सीन, मतलब तो पहाड़ का दृश्य वगैरह। आगे अगर बोटिंग का मौका मिला तो हम बोटिंग भी करने वाले हैं, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे, तो इसको जूमिंग जूमिंग वाला किया आपने थोड़ा सा? हाँ, रेड सोला है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सीख गए हो, मतलब शर्मा जी हमारे साथ में आज वीडियोग्राफी वैसे सीख चुके हैं, मतलब है ना? और दोस्तों, शर्मा जी का भी नया यूट्यूब चैनल ओपन होने वाले आने वाले टाइम में, और मैं मास्क निकाल रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी घुटन हो रही है आने की, तो मास्क देखिए मैं थोड़ा दूर से शूट कर रहा है, कैमरामैन ने हमारे मास्क पहना हुआ है, मैं कैमरामैन का चेहरा एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये हमारे कैमरामैन है शर्मा जी, इन्होंने मास्क पहना हुआ है, ये शूट कर रहे हैं, और तो मुझे काफ़ी घुटन हो रही थी, एक्चुअली मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने मास्क निकाल लिया है। तो दोस्तों, वैसे कोरोना वोरोना सब चला गया, मस्त रहिए अपने लाइफ के अंदर, एंजॉय कीजिए जीवन को, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। नमस्ते, अपना अनावश्यक यात्रा नहीं करें, सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकें, भीड़
विवाह समारोह से बचें, बुजुर्ग बच्चे गर्भवती और गंभीर रोगी घर से ना निकले। तो मैं काफी थक चुका था, इसलिए मैंने 2 मिनट का यहाँ पे अल्प विराम लिया है, जो कि यहाँ पे हालांकि बैठना नहीं चाहिए, बैठने के लिए सामने बनी हुई है, लेकिन 2 मिनट मुझे काफी थोड़ा सा रिलैक्स होना गया था, उसके लिए मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा हूँ, उसके बाद मैं बढ़ूंगा आगे की ओर। तो बस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, एंजॉय कीजिएगा वीडियो को उदयपुर ब्लॉक के अंदर। और शर्मा जी जो है इस बार फोटो शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मुझे रिलैक्स मिल चुका है। चलिए हम बढ़ते आगे को, और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल मत बैठिएगा, ये बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके बैठने के लिए। गवर्नमेंट ने, सरकार ने यहाँ का जो उदयपुर नगर निगम प्राधिकरण की तरफ से आपके बैठने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। मैं एक बार आपको यहाँ पे भी बैठ के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप बैठिए, डोंट वरी। यहाँ से बैठने से फायदा ये होगा कि सामने के सीन का भी नज़ारे का पूरा लुत्फ ले पाएंगे। तो मैं कैमरामैन से दरकार करता हूँ, मुझसे ज़्यादा सामने का नज़ारा दिखे, यहाँ से सामने का नज़ारा कैसा लगता है वो बताइए ज़रा। तो देखिए यहाँ से बैठ के आप सामने का नज़ारा इस तरह से देख सकते हैं, तो बहुत ही मज़ा आएगा सामने का नज़ारा इस तरह देखने का। और गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है, काफ़ी मतलब ऐसा मतलब लग रहा है। तो चलिए हम बढ़ते आगे की ओर, यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, और ये ताजा पैलेस है, ताज़ा पैलेस ऐसे करके कुछ पैलेस बना हुआ है। यहाँ पे अनाउंसमेंट चल रहा है दोस्तों, 20 सेकंड हाथ धोने के बाद मुंह पे हर तो मास्क लगाना, हालांकि मैंने नहीं लगाया, वो बात अलग है, हमारे लगाया हुआ है। ये बहुत ही दूर से लग रहा था कि ताजा पैलेस है, ताजा पैलेस, लेकिन करीब आने से पता चला कि ये ताजा पैलेस है। तो ताजा पैलेस देखिए, यहाँ पे फिलहाल लॉक लगा हुआ है, ताला लगा, यहाँ पे देखिए संगमरमर जो मकराने की पत्थर से जो बना हुआ है, व्हाइट कलर का जो एलिफेंट्स बना हुआ है, यहाँ पे इधर भी है और इधर भी एलिफेंट्स बना हुआ है, जो कि थोड़ा जूम करके बताएंगे हमारे कैमरा पर्सन आपको। और पूरा स्ट्रक्चर जो है इंडिया मतलब जो राजस्थान की जो संस्कृति को उजागर करता हुआ देखिए, किस तरह का यहाँ पे बना हुआ है गुंबज वगैरह। ये ओपन होता है तो आप यहाँ पे बैठ के भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो, ये जो जगह है। फिलहाल यहाँ पे लॉकडाउन मतलब ताला लगा हुआ है। तो कैसा लग रहा है शर्मा जी कैमरे की नज़र से? बहुत सुंदर लग रहा है ना, तो एकदम पूरा मतलब ताजमहल जैसा मतलब फील आ रहा है यहाँ पे, ताजमहल जैसा लुकिंग्स आ रहा है बिल्कुल। तो आप यहाँ का बिल्कुल आनंद ले सकते हैं। और कुछ और कपल्स यहाँ पे आए हैं शूट करने के लिए, उनसे जानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैमरे की नज़र से कपल शूट चल रहे हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? कहाँ से आए मैम आप? मुंबई। अच्छा, मुंबई से। आज हमारे मुंबई के काफ़ी सारे मेहमान आए हुए हैं, अभी आगे आपने देखा वो भी मुंबई। मुंबई में कहाँ से आए आप? भाईंदर से। अच्छा, मीरा रोड भाईंदर अगला स्टेशन, राइट। मतलब मेरा मतलब जहाँ मैं भी वैसे मीरा रोड पे रहता था। तो कैसा लगा आप, कितने दिन हो गए आपको उदयपुर में? पहला दिन आज फर्स्ट डे मतलब है ना। कहाँ कहाँ घूमे आप? अभी मैं ये अपने मंदिर जाके आया। बिल्कुल बिल्कुल। कार पैलेस कैसा लगा उदयपुर, कैसा लगा? अच्छा लगा। वैसे अगर मुंबई की बात करूँ तो मुंबई का तो फेवरेट है, क्योंकि मुंबई के अपने जो बॉलीवुड स्टार रहते हैं वो लोग ज़्यादातर मतलब यहाँ पे उनका फेवरेट इसलिए कि यहाँ पे शूटिंग लोकेशन काफ़ी अच्छा है, धड़क मूवी वगैरह का शूट यहाँ पे वादा वगैरह। तो कोई नहीं, उम्मीद है कि आप यहाँ पे एंजॉय कीजिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा, है ना। तो ये हमारे मुंबई की जो है, हमारे मुंबई की जो है फैमिलीज आई हुई है यहाँ पे, जो है कपल्स है जो यहाँ पे, तो इनको काफ़ी अच्छा लगा उदयपुर राजस्थान के अंदर। और राजस्थान की तो बात ही कुछ और, वैसे मुंबई भी काफ़ी खूबसूरत है, मेरे दिल के गर्वी है, क्योंकि मुंबई जू चौपाटीज वगैरह मीरा रोड फाइनेंस ये आए हैं। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए लाइफ को, है ना। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, मैं आपको आगे की और यहाँ का भी और कुछ बता देता हूँ। जी जी, यूट्यूब चैनल से, ब्लॉगिंग चैनल से मेरा खोलिए, यूट्यूब खोलिए। तो ये यूट्यूब चैनल पर हमारे सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, ताकि इनको जो इनका वीडियो है वो उनको देखने को मिले उस पर। अच्छा, नवीन नवीन आपके मेहंदी लगी हुई, नवीन नवीन शादी की आपने? यस यस। ओ माय गॉड दोस्तों, कल मेरा एक बार फिर से मेरा तो ब्रेकअप हो गया, बात अलग है। कल मैं लड़की देखने गया था। Okay. मैं ये लगभग 108वीं या 9वीं बार लड़की देखने गया था उदयपुर के अंदर, लेकिन हमारा मामला बैठा नहीं, क्योंकि लड़की के जो चाचा जी थे ना वो ऑफ हो गए। तो आप लोग नवे नवे कपल से कितने दिन हुआ आपको शादी को? 8-10 दिन। 8 दिन। अच्छा, आप नवे नवे कपल्स हो, मेरे लिए सिर्फ इतनी दुआ कीजिएगा कि मैं अगली बार जो भी लड़की देखने जाऊँ फाइनल हो जाए, है ना मैडम? आप दुआ करेंगे मेरे लिए पक्का ना, है ना? तो मैडम मेरे लिए दुआ करेंगे, भैया दुआ करेंगे। इसको लिए जेके जेके मथरिया व्लॉग आ जाएगा। हाँ, जेके मथरिया व्लॉग, बिल्कुल जेके मथरिया, ये बर्थडे वाला डाला हुआ है बिल्कुल। ओके, बस इसी को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो दोस्तों फाइनली हमारे जो मुंबई वाले फ्रेंड्स वगैरह हैं, मित्र नए मिले, जो नए नए कपल से नई नई शादी करके मात्र 8 से 10 दिन हुए, मैंने इनको देखा, मेरे दिल की बात वीडियो में अभी आपको देखने को मिलेगा। मेरा खाली मतलब ब्रेक भी बोल सकते हैं, वैलेंटाइन डे लड़की देखने गया और ये मेरी लगभग 100 से ऊपर ज़्यादा लड़की देखी थी मैंने ये, लेकिन खुदा ना खास्ता उनके चाचा जी अभी, ये तो हादसा था कुदरत, कोई नहीं, ये भैया भाभी जो है मैडम वगैरह जो हमारे लिए दुआ करेंगे, आपका भी जल्दी जल्दी हो जाए अभी, है ना। बस तो बस मैडम आप करोगे ना दिल से दुआ, पक्का प्रॉमिस। तो मैडम जो प्रॉमिस किया मेरे से, तो मैडम मेरे लिए दुआ करेंगे दिल से, और मैं बस ऊपर से यही करता हूँ कि भी आप लोग घूमिए राजस्थान वगैरह, ठीक है ना, एंजॉय कीजिए वगैरह।